ओके हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और चैप्टर का नाम है स्कूल इज़ फन। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। इससे पहले वाली वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से चैप्टर को, और अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज में यहाँ पर क्या क्या है, ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले है यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको दिख रहे हैं ना, एमसीक्यू ये हैं। सबसे पहले देखिए ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पर कुछ एक लाइन लिखी है और तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको पढ़ना है, और आपने क्योंकि स्टोरी पढ़ी है इसीलिए आपको याद करके कि स्टोरी में एक्चुअली क्या हुआ था इन ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला के माइक एंड जूली गो टू स्कूल बाय बस, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी ट्रेन। बताइए माइक और जूली स्कूल कैसे जाते थे, बस से जाते थे कि कार से जाते थे कि ट्रेन से जाते थे। अगर आप वीडियो खोलेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज में ही आपको एक बड़ी सी चीज़ दिखेगी जिसमें माइक और जूली जाते हैं स्कूल। ठीक, तो आप टिक कर सकते हैं उसको और यहाँ पर आप अपने आप आंसर लिखेंगे, मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, चलिए मैं आपको सेकंड वाला बताऊँगी, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं सेकंड। दे कम बैक होम इन द, वापस स्कूल से माइक और जूली कब आते हैं, इवनिंग में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इवनिंग है, सेकंड ऑप्शन नाइट, और थर्ड ऑप्शन आफ्टरनून। तो आप बताइए आप स्कूल से कब आते हैं, आप क्या शाम को आते हैं कि आप रात में आते हैं या आप दोपहर में आफ्टरनून में आते हैं, बताइए। भाई मैं तो स्कूल से आफ्टरनून में आती हूँ तो मैं आफ्टरनून ही टिक करूँगी। ठीक है, इसका मतलब हम सब स्कूल से आफ्टरनून में आते हैं, आफ्टरनून टिक कर लीजिएगा। थर्ड वाला देखिए, दे गो टू पार्क इन द, पार्क कब जाते हैं वो, माइक और जूली के बारे में पूछ रहे हैं कि माइक और जूली पार्क कब जाते हैं, तो इवनिंग में जाते हैं कि नाइट में जाते हैं कि आफ्टरनून में जाते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर फटाक से बता सकते हैं। ठीक, तो मैं तो नहीं बताऊंगी भाई इसका आंसर, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद द आंसर यू कैन मैसेज अस एंड आस्क अस। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट बी इज द फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह मिलेगी और उसको आपको ऑप्शन से भरना है। तो देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। ये देखिए ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 8 o'clock, नॉटी, हेल्दी, कंप्यूटर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 8 o'clock, नॉटी, हेल्दी, कंप्यूटर। ठीक, इनको हमें इन लाइंस में, इन सेंटेंसेस में फिलअप करना है। नंबर वन, द चिल्ड्रन लर्न टू यूज द डैश एट स्कूल। तो बच्चे जो हैं स्कूल में किस चीज़ को यूज़ करना सीखते हैं, 8 o'clock टाइम को तो नहीं यूज़ करना सीखते होंगे, नॉटी का मतलब होता है शरारती, तो शरारती होना भी नहीं सीखते होंगे, हेल्दी, हेल्दी का मतलब फिट होना भी नहीं सीखते होंगे, कंप्यूटर यूज़ करना मतलब चलाना किस चीज़ को, कंप्यूटर का। तो इसमें नंबर वन आप यहाँ लिख लीजिए और बाद में कॉपीज में आप जब भरेंगे तो यहाँ पूरी कंप्यूटर की स्पेलिंग विदाउट एनी मिस्टेक विद अ गुड हैंड राइटिंग लिखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूली ईट्स डैश फूड। जूली कैसा खाना खाती थी, जूली चिप्स खाती थी, जूली नूडल्स खाती थी, क्या खाती थी, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बता सकते हैं, तो मैं तो नहीं बताऊंगी इसका आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, माइक एंड जूली हैव डिनर एट। तो माइक और जूली कितने बजे डिनर करते थे, बताइए। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, वीडियो को ध्यान से सुना है, तो आपको पता होगा कि माइक और जूली कितने बजे डिनर करते थे, और आप भी शायद उतने ही बजे डिनर करते होंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, माइक इज़ वेरी, माइक कैसा था? माइक पोलाइट था ना, और साथ में कुछ और भी था, तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है? और आंसर आप वीडियो से ढूंढेंगे और लिख के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नंबर वन क्वेश्चन, इन विच क्लास डू माइक एंड जूली स्टडी? तो माइक और जूली कौन सी क्लास में पढ़ते थे? माइक और जूली उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास में आप आज हो, मतलब फर्स्ट में, है ना? तो ये तो मैंने बता दिया, और मुझे बताना नहीं था, और मुझसे तो गलती हो गई। ठीक, कोई बात नहीं, अगली बार ये गलती नहीं होगी, आपको खुद करना है। आप पढ़ें चैप्टर और यहाँ पर आंसर लिख के मुझे बताएंगे, मैं उसको चेक करूँगी और उसके बाद करेक्ट आंसर, अगर आपने गलत भेजा है तो बता दूँगी सही आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, What do the children learn at school? तो बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं? आप खुद सोचो, आप क्या क्या सीखते हो? कि आप रीड करना सीखते हो, है ना? आप राइटिंग सीखते हो, है ना? आप कंप्यूटर चलाना सीखते हो, है ना? आप सिंगिंग भी सीखते हो और आप डांसिंग भी सीखते हो, है ना? तो यही सब आपको लिख लेना है अपने वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए, व्हाट डज माइक लाइक टू ईट? माइक को क्या पसंद है खाने में? माइक को तो शायद हेल्दी फूड पसंद था कि अनहेल्दी फूड पसंद था, क्या था? वीडियो देखें और मुझे भी बता दें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू दे डू आफ्टर डिनर? खाना खाने के बाद वो क्या करते थे? आप बताओ, आप क्या करते हो? और फिर आप इसको चैप्टर को पढ़ना और वीडियो को देखना और मुझे बताना कि माइक और जूली आखिरकार डिनर के बाद क्या करते थे, ठीक है चिल्ड्रन? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की एक्सरसाइज आप समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।